ये गार्डन है ना पूरा, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पूरे 265 एकड़ का एरिया है। आप इसको देखेंगे अगर पूरा इसकी 7 से 8 किलोमीटर की बाउंड्री है, तो यहाँ पर घूमने के 3 ऑप्शन है। एक तो आप गार्डन घूमिए तो इसमें आपको फ्रूट का पूरा बागान मिलेगा, जिसमें एप्पल है, वॉलनट है, चेस्टनट है, पीच, प्लम। इसके लिए आपको मई जून में कभी आइए तो सारा यहाँ की जितनी भी प्रजाति है वो मिलेंगी आपको। उसके बाद अगर आप जंगल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक घना जंगल है, आप यहाँ से देखेंगे तो एक डेंस फॉरेस्ट है अंदर। तो 1 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी ये है, इसके अंदर आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे, चीड़ के पेड़ मिलेंगे, कुछ बुरांश होता है यहाँ पे, कुछ नीलगिरी है। तो एक घना जंगल है, इसका एक अपना एडवेंचर है। इसके अंदर आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट भी मिलेंगे, जैसे दारू हल्दी है, गंधवटी होगी आपका, सतावरी है, और कुछ ही आपको फर्न वगैरह की प्रजातियाँ मिलेंगी। तो इसके बाद अगर आप थर्ड ऑप्शन आप करते हैं तो एक भालू डैम हमारे पास है। तो भालू डैम के लिए आपको करीबन 6 किलोमीटर का अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो 3 किलोमीटर आप नीचे उतरेंगे, 3 वापस आएंगे, तो उसमें करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाती है। तो अच्छा है अगर आप पूरा रानखेत में आते हैं तो इस जगह को आप मिस मत करिए, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको अगर प्रकृति से ज़्यादा लगाव है तो आप ऑक्सीजन में आइए, इस टाइम पे लोग कम रहते हैं तो आसानी से आप देख सकते हो। फ्रूट नहीं है लेकिन नज़ारे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लोकेशन एग्जैक्ट इसमें कहाँ की ये है, ये एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दीजिए। ये एग्जैक्ट आप तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के अंदर है मैडम अभी। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के अंदर ये आता है रानीखेत, करीबन वहाँ से आप 40 किलोमीटर ऊपर हैं तो एक चौबटिया एक जगह है। रानीखेत से 10 किलोमीटर ऊपर आप आइए तो चौबटिया एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पर हमेशा लोग आपको मिलेंगे। यहाँ के नज़ारे बहुत अद्भुत और बढ़िया रहते हैं। अगर आपको फ्रूट के नज़रिए से यहाँ पे देखना है तो उसके लिए आप मई और जून में आइए, नहीं तो अगर आपको शांत अगर थोड़ा सा एकांत में आना है तो इसका ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप बर्फ का मजा लेना चाहें तो यहाँ पर दिसंबर जनवरी फरवरी में आप आ जाइए। यहाँ से सामने पूरी पीक, यहाँ से आपको बर्फ की पूरी उत्तराखंड की जो पूरी सीरीज है एक पूरी सीरीज दिखती है, उधर कामेट बद्रीनाथ से लेके इधर पंचाचूली का करीबन 350 किलोमीटर का एक रेंज आपको दिखता है अगर ये साफ होता है। तो यहाँ से आजकल इसका समय रहता है आपका अक्टूबर से मार्च तक, आप देखिए वो बर्फ की चोटी आपको मिलेंगी। अभी तो थोड़ा सा धुंध है, बादल है, तो वो साफ नहीं हो रहा है लेकिन नज़ारा फिर भी ठीक है, अभी धुंध नहीं है। तो मैडम नीचे की जो वैली है ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा, पूरा चीड़ का जो जंगल है ये दिखता है। गर्मियों में क्या होगा कि इसमें आग लगती है तो ये थोड़ा धुआं हो जाता है। अभी आपको दिखिए उधर पूरा क्लियर है, इधर तक पूरा एरिया जो पूरी चोटियां हैं पहाड़ियां ये सारी दिखाई दे रही है। और इधर से क्या क्या दिखता है वहाँ, यहाँ से हैदराबाद बाबा का टेंपल, यहाँ से आप अभी देखिए करीबन 6,800 फीट पे आप हैं तो यहाँ से आपको रानीखेत दिखाई देगा थोड़ा सा। इधर ये आर्मी का एक बैरिक्स है, गोल्फ ग्राउंड के ऊपर की जो बैरिक्स है ये दिखेंगे आपको। थोड़ा उधर और आगे की तरफ आप जाइए तो वहाँ पे आपको वो हैदराबाद टेम्पल दिखेगा, ये आपका करीबन यहाँ से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है अगर आप वैसे जाते हैं तो। उधर वो जाएंगे तो आपको रामनगर और हल्द्वानी के रूट से थोड़ा सा हटके आप अंदर जाएंगे तो हैदराखान, और इधर आप आइए तो इधर ये अल्मोड़ा वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको बीच में गोल्फ ग्राउंड मिलेगा, यहाँ से आप कौसानी भी जा सकते हैं, अल्मोड़ा जा सकते हैं। तो चौबटिया थोड़ा ऊंचाई पे है तो यहाँ से ये आपको सारा नज़ारा मिलेगा नीचे का। ये है मैडम इसका जो है। ओके थैंक यू, धन्यवाद। ये पाइन ट्री हो गया ना, पाइन ट्री। अब इसका क्या है कि इसको हम लोग छीलते हैं, कंटेनर आप लगाएंगे यहाँ पे तो ये ऑयल इसमें जमा होगा। आपका टर्पेंटाइन ऑयल है, थीनर है, रेजिन है, जितने भी लकड़ी की पॉलिश होती है ना वो मैडम ये काम आता है इसमें। ये चिपचिपा जो निकल रहा है, ये है ना ऑयल है जो उसकी गम है मैडम, बहुत ज्यादा स्टिकी है। आप इसको जलाओगे ना तो ये हाईली इनफ्लेमेबल है मैडम, बहुत तेजी से जलता है। ये तो हमने छिला हुआ है, जहाँ पर ये होगा ना जंगल ज्यादा इसके तो वहाँ छिले हुए होते हैं, यहाँ पर तो ये है नहीं मैम। इसकी लकड़ी आपका फर्नीचर जितना भी यहाँ पे है, मकान है, जो आपको जो भी लकड़ी मिलेगी वो इसी की मिलेगी क्योंकि ये बहुत है। 80% आपको ये पाइन ट्रीज मिलेंगे पहाड़ में, यहाँ पे उत्तराखंड में। मशरूम की तो सुंदर लगा हुआ है मैडम, ये मशरूम जो है ना ये तो जंगली वाले हैं, पॉइजनस होते हैं, जहर बहुत ज्यादा रहता है। देखो अपने आप बरसात में अपना निकलती है ये फंगस, आप देखिए इधर, ये जहाँ पर ज्यादा सड़ी हुई चीजें होंगी ना तो ये ऐसा निकलेगा। हाँ ये कितना अच्छा लग रहा है। गार्डन आपको खुला मिलेगा सर वहाँ से, तो उसके अंदर इतने बड़े पेड़ पौधे भी नहीं है, जंगल में थोड़ा सा ग्रीनरी ज्यादा है क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये रोडोडेंड्रोन मैडम एक फ्लावर आता है रेड कलर का, जूस पिया इसका। फरवरी मार्च में एक फूल आता है इसमें लाल रंग का, जिसको हम लोग बुरांश बोलते हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर, गर्मी से लू होती है, आपको थकान बहुत ज्यादा है, कमजोरी ज्यादा होती है, तो इसका जूस आप पीजिए। ये आपको आगे कैंटीन में मिल जाएगा, गवर्नमेंट की कैंटीन लास्ट में, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। हर सांस भर के चलिए, हवा तो अच्छी है सर, ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी आपको, ठंडक जरूर है, जगह तो ठंड भी कोई खास नहीं। आजकल सर उमस है ना सर, मेरे जाड़ों में यहाँ तो बड़ा बुरा ठंडा, यहाँ तो स्नोफॉल वगैरह होता है ना सर, बर्फ गिरती है दिसंबर जनवरी में। मेडिसिन प्लांट हो गया, ये सर्पगंध था देखिए, इसकी लीफ आप देखिए थोड़ा मोटी होगी मैडम, हाथ लगा के देखिए, इसको थोड़ा मोटा लीफ होगा इसका। इसमें से एक बीज निकलेगी ना यहाँ से तो रेड कलर की, उसका आप जूस निकालिए तो उसका टैबलेट बनता है। ये उनके लिए बहुत है जिनको नींद नहीं आती रात को, ये जिनको ज्यादा टेंस लाइट जो लोग हैं, जिनका जो मानसिक तौर पर जो ज्यादा बेचैन रहता है, जिनको ज्यादातर ये तनाव जिनको ज्यादा रहता है, उसके लिए इसकी टैबलेट आती है। अश्वगंधा क्या मिलेगा, अश्वगंधा तो ताकत के लिए होता है, अश्वगंधा की प्रजाति यहाँ पर कम है, कम मिलती है। यहाँ से आप देखो देवदार, ये ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा लेकिन ऑयली होता है, बहुत ज्यादा ऑयल, इसका ऑयल तो बहुत मुश्किल है, निकलता नहीं आसानी।
फाइन को तो आप छीन लो ना, वो बाहर फेंके। नहीं नहीं सर, ये हमारा कश्मीरियन बिलू है, इंग्लिश बिलू नहीं आता सर। इंग्लिश तो इंग्लैंड से आता है, ये तो हमारा इंडियन कश्मीरियन कश्मीर बिलू। इसे बैट वगैरह बनते हैं, बैट हॉकी, क्योंकि ये लकड़ी जो है ना सर लाइट वेटेड है, थोड़ा सा लचीली होती है, ज्यादा वजन नहीं है, हल्की है। अब ये भी एवरग्रीन नहीं मैडम, इसका भी पत्ता गिरेगा ना ये भी खाली हो जाएगा, ये भी सदाबहार वाला नहीं होता, इसकी पत्ती गिरेगी तो दो तीन महीने इसमें भी ऑटम रहता है। ये एप्पल का है, ये एप्पल ट्री, थोड़ा सा देखिए प्लम आलू बुखारा, ये प्लम का है, ये प्लम है ना, इसमें देखिए लीफ में अंतर पकड़ लेंगे ना आपको। अब वॉलनट के हम करीब जाएंगे तो वॉलनट तो लगा हुआ दिखेगा आपको, फट जाएगा अंदर की जो जिसका वुडन पार्ट है उसके सेकंड स्टेज पे होता है अंदर से। गंधवटी इसका यूज होता है आपका, जैसे आपको सांस की समस्या है, चेहरे पे दाने हो जाते हैं बहुत सारे, तो इसमें नीचे आप देखें ना इसकी जड़ें बिल्कुल अदरक की तरह गांठ होती है इसमें। अच्छा। इसको छील के आपको क्या करना है, 10-12 ग्राम का टुकड़ा चबाना है तो क्या कि कफ को क्लियर करता है बाहर। अच्छा। जिनकी फेफड़ों में ज्यादा कफ जमा हो जाता है ना मैडम, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। चेहरे पे अगर आपके ज्यादा दाने हो रहे हैं, कभी झाइयां हो जाती हैं, तो उसमें इसको पेस्ट बना के लगाइए आप दूध में, उसमें भी काम करता है। अच्छा। गंधवटी बोल सकते हैं, हो सकता है कि माउंटेन पीक से शाम तक साफ हो जाएंगे। ये आपके आगे सारे एप्पल ट्री है, जितने भी देख रहे हैं आप सारे एप्पल्स के ही हैं। अब वो बोनसाई हो जाते हैं छोटे छोटे, अब इतने बड़े पेड़ हैं आपको छोटे मिलेंगे आगे आप। हाँ। 2.5 फीट 3 फीट। यहाँ पे कितनी वैरायटी है एप्पल्स? 36 की वैरायटी है एप्पल। 36 वैरायटी, कौन कौन से डिलीशियस है? डिलीशियस तो आप तैयार हो ना मैडम, डिलीशियस तो लास्ट में होता है, मतलब लगता है यहाँ पे लगता है। यहाँ पर देखिए आपका क्रैब होता है, क्रैब एप्पल होता है। क्रैब एप्पल तो अलग, वो तो वाइल्ड स्पेसीज होगी मैडम, क्रैब एप्पल तो खाने का नहीं है। क्रैब एप्पल आपको मिलेगा वो जंगली झाड़ जो होता है उसको क्रैब एप्पल बोलते हैं। अच्छा। यहाँ के एप्पल की वैरायटी आपको क्या मिले, आप तो हाइब्रिड में मिलेंगी बहुत सारी। अच्छा। उसमें रेड फ्यूजी है आपका, ट्रेडमैन अर्ली है, अंपायर है, यहाँ का एक आता है ना चौबटी अनुपम, कुछ वैरायटियां यहाँ की भी है। अच्छा। जो यही मैडम इन पे रिसर्च चलता है ना, वो यही प्रजातियाँ तैयार होती है। अच्छा। बाकी आप डेलीशियस तो अभी चल ही रहा है। अच्छा। डेलीशियस तो बढ़िया क्वालिटी, इसमें रॉयल डेलीशियस है, गोल्डन डेलीशियस है हमारा ना मैडम, रेड डेलीशियस आता है। हाँ, कुछ आपको मिल जाएगा शायद वहाँ से भी। अच्छा। एक तो डेलीशियस आपने खाया वो, लेकिन छोटी वेरायटी थी, आप थोड़े हुए कि सूख जाएगा तो फिर निकाल देंगे। तो नेट में ये बंदरों की वजह से कराया जाता है? बंदरों के लिए मैडम, ज्यादातर पक्षियों के लिए बंदर तो फिर भी गुजर जाते हैं। अगर बर्ड्स बैठ गए ना एक पूरा झुंड अगर बैठा तो फिर वो दाग लग जाता है। ये सब हाइब्रिड, वो बोनसाई है, ये बोनसाई है, हमारा नेचुरल प्लांटेशन हुआ है मैडम, जो बड़े पेड़ है ना। हाँ। ये सारा बोनसाई अमेरिकन है आपको, ये हाइब्रिड, इनकी ऊंचाई इतनी होती है, ज्यादा ऊंचे नहीं होते। अच्छा। इनका फ्रूट आपको साइज में बड़ा मिलेगा। एप्पल की लीफ की चटनी भी तो बनती है लाल की, मैडम पता नहीं उसमें लगे एप्पल वो छोटा, किसी किसी पे होंगे छूटे हुए होंगे ना, कुछ तो तोड़ना छूट गया किसी पे, अभी मैच्योर जो मैच्योर नहीं है वो उसको तोड़ा नहीं उन्होंने। ये पालक पत्ता ये बिच्छू घास का एंटीडोट है, अगर आपको कभी बिच्छू लग जाती है गलती से तो इसको ढूंढिए आसपास, तो इसको उसके ऊपर आप घिसिए तो इसकी जो जलन होती है बिच्छू घास की उसको एक कम कर देते हैं। ठीक। कहीं भी आप देखें ना ये पालक पत्ता, जहाँ बिच्छू होगा वहाँ ये मिलेगा आपको बिच्छू घास का। ये दारू हल्दी का प्लांट। अच्छा। इसकी लीफ आप देखिए जो मुलायम पत्तियां होंगे ना, एक पत्ती अगर आप तोड़ के इसको चबाएंगे तो खट्टा होगा, इनको तोड़े जो लाल है ये उनके लिए, जैसे आपको गैस की समस्या है, वोमिटिंग होती है, लगता है कहीं पे आपका पेट में भारीपन लगा ना मैडम, जैसे बदहजमी हो जाती है, ये पत्ता आप चबाओ तो ये उसमें फायदा करता है। और इसकी रूट मिलेगी आपको शुगर के लिए, पाइल्स के लिए, या जिनको ये लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें इसकी जड़ मिलती है। अच्छा। इसको आप बोलते हो ना बारबेरिस एरिस्टाटस का बॉटनिकल नेम, हम इसको बोलते हैं दारू हल्दी। कांटेदार पौधा होगा, इसमें ज्यादा जो पुरानी पत्तियां होंगी उनमें कांटा भी निकलेगा बाद में, देखो आप ये फिर हाँ ये सर ये फिर चबाने में दिक्कत करता है। जो सॉफ्ट लीफ है इसको आप चबा सकते हो, ये बड़े पत्ते में कांटे कांटे होंगे, ज्यादा पुराना जो लीफ होगा उसमें कांटा होगा, जो सॉफ्ट लीफ है आप चबा सकते हो, खट्टा होता है और लकड़ी इसकी बहुत कड़वी होगी, जिसका आप पानी पियोगे ना। अच्छा। तो कड़वा होगा मैडम, बिटर टेस्ट रहता है। ये भृंगराज का पौधा, इसका इस्तेमाल होता है आपका बालों के लिए, जिनको जैसे बाल झड़ जा रहे हैं ना समय से पहले सफेद हो जाते हैं, तो इसका महाभृंगा ऑयल भी आता है मार्केट में, तो उसकी लीफ को सुखा के आप किसी भी ऑयल में मिलाइए तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरल पानी, ग्राउंड वाटर, अपने आप जैसे कुएं से आता है ना, कहीं कहीं पे पानी मिलेगा नहीं आपको, बोरिंग करके भी कहीं अपने आप आ जाता है ऊपर। आवाज इधर से तेज आ रही है पानी की, ये से है वो, और इधर ये पीने का पानी, ये सब इधर है। नहीं नहीं, ये एप्पल यहाँ से देखे ना, ये वाले मैडम, ये तो एप्पल ट्री है। अच्छा। यहाँ से आप देखिए, ये है एप्रिकॉट्स के, थोड़ा सा इसकी लीफ लाइट आपको लाइट ग्रीन में मिलेगी, ज्यादा डार्क ग्रीन नहीं है, हल्के हल्के हल्का सा येलोइश भी हो रहा है ना, ये अलग होता है, पत्ते में भी अंतर होगा, प्लांट में भी अंतर होगा, ऊपर से देखिए ना आपको ऊपर से दिखेगा, ये यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक पौधा वो नेक्टरीन करके होता है, रेड नेक्टरीन तो पीच होता है ना मैडम। हाँ। वो पीच की वैरायटी है, उसको बोलते हैं रेड नेक्टरीन, वो प्लम और पीच का वो होता है, उसको मिक्सचर होता है, मिक्सचर करके बनाया गया मैडम। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, ये सब नए प्लांटेशन हैं एप्पल के।
ये है टॉर्च लिली, और ये पीछे पूरे सारे कच्चे बादाम के पेड़ हैं। ये सब बादाम के पेड़ हैं, सूखे नहीं हैं, इनके पत्ते झड़ गए हैं। कच्चा बादाम तो गाना भी बहुत है। हाँ लेकिन वो बिहार वाले तो वो जो नीचे की मूंगफली होती है ना उसको। अल्मोड़ा गोल्फ की तरफ, ये बीच में कौसानी इधर से निकलेंगे। तो ये रेड नेक्टरीन है सर, आप यहाँ से ऊपर को देखिए। हाँ। तो इसमें निकलता है वो मई जून में फ्रूट आएगा, हल्का सा रेडिश कलर का आपको पीच मिलेगा। ये रहता है आपका प्लम और पीच का क्रॉस रह के ना मैडम, ये एक नई वैरायटी है, इसको बोलते हैं रेड नेक्टरीन। ये अभी इस पे तो पत्ता गिर गया नीचे, बहुत लंबी पत्ती रहती है आम की, पत्ता है कहीं पे आप देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ पे है। ये रेड नेक्टरीन ये नया पीच है, ये हाइब्रिड है प्लांटेशन पीच का, तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, उतना ज्यादा नहीं होता जैसे और वो जो पीच होती है ना मैडम, उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा। वो तो बहुत हार्ड स्पेसीज है। ये है रियल चेस्टनट मैडम, देखो ना कांटेदार बॉल है। अब मैं आपको इसको पूरा दिखा सकता हूं, इसको आप अगर आप तोड़ोगे ना। हाँ। तो देखो ये ऐसे तोड़ना पड़ता है इसको, ये ऐसे रख के इसको आप इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर एक सीड निकलेगी। देखो आप पूरा ही दिखाता हूं ये। हां ये जो नेट है ना मैडम, बड़ा भयंकर हो रहा है, कीड़ा भी निकला उसके अंदर से। कीड़े ही बंदरों ने खा दी मैडम, कीड़े तो क्या है। दिख रहा है आपको मेरा सूर, सही दिख रहा है? हाँ हाँ सही। चलिए ये देखो अभी पूरा ये है ना मैडम, ये आता है इसका नट, इसको अभी तैयार है नहीं पूरा। ये है देखो नट, इसको बोलते हैं चेस्ट नट। ये आपका ड्राई फ्रूट में काम आता है, इसको आप कच्चा खाइए, भून के खाइए। इसको छिलेंगे ना आप, इसके अंदर एक हल्की सी परत और होगी, तो इसको छिल के ये जितना भी कैडबरी चॉकलेट वगैरह होता है वहाँ इस्तेमाल होता है इसका। अच्छा। अभी ये पूरा कंप्लीट मैच्योर नहीं मैडम, इसका कलर पूरा ब्राउन हो जाएगा जहाँ से तैयार हो जाएगा ना, अभी तो कच्चा है ये। हाँ हाँ। इसकी बाहर का जो आपने स्लीव देखा ना, एक कांटेदार होता है बहुत। अच्छा। अंदर से ये बीज निकली। अच्छा। अब इसे हमारी ये सर खाएंगे भाई साहब। अच्छा। ये बहुत दूर से मेहनत करके लाए हैं, तो ये इनको खिलाया जाएगा मैडम। ये छिलेंगे इसको। हाँ। आप इसको इसका ये क्या है ना मैडम मेथड क्या है, इसको आप इसको रोस्ट कर लीजिए। अच्छा। तो बढ़िया होता है, वैसे छिलके आप ऐसे भी खा सकते हो। सामने छिलिए, सामने छिलिए। अब इसको छिलिए सामने, इसके नीचे की छिलिए। अरे नाखून तो मेरे पास भी नहीं है पूरी तरह से। हाँ जी ये है ना मैडम, आ रहे हैं। ये देखिए ये है मैडम ना, ये छिलका हटा। हाँ। अब इसको क्या करेंगे, किसी हल्की चीज से आप इसका जो परत है ना बाहर की जो लेयर, इसको हटाना पड़ेगा आपको। हाँ। ये खाने वाला अंदर का जो है। अच्छा। बिल्कुल बादाम की तरह होता है मैडम, बहुत जैसे हमारा अखरोट होता है वैसे अमेरिकन नट। अरे उधर ही कहाँ आ जाओ, मैं इधर सुनता हूँ जरा से। ये ओके ओके मैम।